हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रिया, प्रिया किचन में आपका स्वागत है। मैं आज बना रही हूँ पोहा। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर पोहा ली हूँ। मैं इसे अच्छे से धोकर इसमें लेमन के जूस से इसे मेल करके रखी हूँ कि इससे से खिला खिला बनता है, इसलिए आप देख सकते हो। और इसे बनाने के लिए हमें चाहिए बारीक कटी हुई प्याज, ये मूँगफली है आप देख सकते हो, इसे मैं रोस्ट करके रखी हूँ, नमक, ये मस्टर्ड सीड्स, जीरा, हल्दी, मिर्च, तीखा बहुत कम खाती मेरी बेटी इसलिए तीखा बहुत कम, करी पत्ता। तो आप देख सकते हो पैन में बैठा चुकी हूँ, पैन ऑलरेडी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मस्टर्ड सीड्स, देखिए आप छटक रहा है। उसके बाद जीरा, के बाद करी ली, जैसे करी ली चटकना बंद हो उसमें हम ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई प्याज। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आपको तो मालूम ही होगा पोहा। ये बनाना भी बहुत ही सिंपल है। आप देख सकते हैं हल्के पिंक कलर हो चुका है ऑनियन प्याज हमारा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी, थोड़ा सा हल्दी चुटकी भर, नमक स्वाद अनुसार, और पीनट जो मैं सॉल्ट करके रखी थी हल्की भून ली थी इसे थोड़ा सॉल्ट के साथ। अब इसे हम ठीक से चलाएंगे। उसके बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे पहले से ही के अच्छे से रखी थी पोहा, ये ऐड कर देती हूँ मैं। ये आप देख सकते हो देखिए 203 मिनट, 3 से 4 मिनट में ये कंप्लीट हो चुका है, ये बनके तैयार हो गए। देखिए वहाँ कंप्लीट। चलिए इसे सर्व कर लेते हैं हम। देखिए फ्रेंड, पोहा बनके कंप्लीट। ये आप टिफिन में खा सकते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट, इवनिंग को। आप अगर डाइट करते हैं तो ये डिश जरूर बनाइए, खाइए, बहुत हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।